नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल। स्वागत है आपका बड़ी खबर में। नजर हेडलाइंस पर। पीओके में घुसकर मारे 40 आतंकी, बॉर्डर के 1000 गांव हो रहे हैं खाली। दिल्ली पर बड़ा आतंकी हमला कर सकता है पाक। सेना द्वारा आतंकियों को मारने पर देश में जश्न। उरी हमले में 19 जवानों की शहादत का बदला भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को ढेर करके लिया। भारतीय सेना ने LOC को पहली बार पार करते हुए POK में आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक किए। सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडो ने हमला कर 7 आतंकी ठिकानों को न केवल ध्वस्त किया बल्कि 40 उन आतंकियों को भी ढेर कर दिया जो पाकिस्तान की सेना की पनाह में रह रहे थे। इसके लिए हेलीकॉप्टर सवार व जमीनी सैनिकों का इस्तेमाल किया गया। सैन्य अभियान बुधवार की आधी रात करीब 12:30 बजे शुरू हुआ और गुरुवार के सुबह 4:30 बजे समाप्त हुआ। पंजाब में करीब 1000 गांव को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत की ओर से POK में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से लगने वाले अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फलजिका और फिरोजपुर जिलों के गांव को खाली कराया जाएगा। ये गांव भारत पाक बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्थापित होने वाले करीब 15 लाख लोगों के रहने के लिए अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि गुरुवार को उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सूचना दी गई। इसके बाद गांव को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत के महत्वपूर्ण जगहों पर अगले 48 घंटे के भीतर हमले की आशंका है। इसको देखते हुए दिल्ली की सरकारी इमारतों और महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस ऐसे किसी हमले को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भी तैयार किए गए हैं जो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। सभी पुलिस फोर्सेसों को इससे जुड़ा मैसेज भेजा गया है और उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को कहा गया है। क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी अलर्ट रखा गया है। पुलिस फोर्स बिना किसी ढिलाई के चेकिंग करे, इसके निर्देश दिए गए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप सेक्स समस्याओं से परेशान हैं या परेशान हैं गुप्त रोगों से? क्या आपको परेशान करती है दौरा, मिर्गी, श्वास, गठिया, वाय, सफेद दाग, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियां? तो फिर क्यों होते हो परेशान? क्योंकि हमारे पास है आपकी इन समस्याओं का समाधान। तो चले आइए, सेक्स समस्याओं, शुक्राणु की कमी, धात जाना, निसंतान, न्यूक्लियोरिया, नाम मर्दी, बवासीर जैसी बीमारियों के सफल इलाज एवं सुखी विवाहित जीवन के लिए डॉक्टर सागर से मिले। हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर सागर क्लिनिक समिति, रसूलपुर फाटक, पलवल। संपर्क करें 8397002464। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया, आयुर्वेद भी। आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना, अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार। जीवा आयुर्वेद लाया है आपके लिए कुछ विशेष उत्पाद। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, हनी व एलोवेरा जूस, जोड़ों के दर्द के लिए पेन काम ऑयल, बालों को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए ब्लैक पर्ल व नीम शैम्पू, महिलाओं में मासिक स्राव, हार्मोन्स और फर्टिलिटी को संतुलित रखने के लिए नारी सखी कैप्सूल्स, त्वचा के प्राकृतिक निखार व सुंदरता को बढ़ाने के लिए फेयरनेस किट, रोज वाटर प्लेन, सेफ्रॉन व टर्मरिक क्रीम। तो आज ही जीवा आयुर्वेदा के इन उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर व सफल बनाएं। लॉग ऑन करें store.jeeva.com या संपर्क करें अपने नजदीकी रिटेलर पर।
कितना सुधरा आपका वार्ड पिछले 5 सालों में? हालात सुधरे या समस्याएं हैं जस की तस? हम आएंगे आपके पास और तहकीकात करेंगे हर समस्या पर। देखिए फरीदाबाद के हर वार्ड पर हमारी खास पेशकश आपका वार्ड आपका फैसला रोजाना रात 8 बजे। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार, बताएंगे हम, दिखाएंगे हम हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। मच गया खुशियों का शोर, खुल गया देखो पतंजलि मेगा स्टोर। खरीदो राशन, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स या अन्य घरेलू सामान, मोर एंड मोर। खुल गया पतंजलि मेगा स्टोर। आप आओ, साथ लाओ अपने साथी और खुल गया पतंजलि मेगा स्टोर। हमारा पता है 5M113 BKKC रोड, दयानंद विमेन कॉलेज के सामने। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9818067393, लैंडलाइन नंबर 01292431999। आपका मुद्दा सोमवार से शनिवार सिर्फ BVM न्यूज पर। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। भारतीय जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकियों को मार गिराया है, जिसकी खुशी पूरे भारत में जगह जगह देखने को मिल रही है। इसी खुशी में ताजनगरी में भी जश्न मनाया गया। भारतीय जनता द्वारा शहर के हर चौराहे पर मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी की गई और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। आगरा के जाने माने CP रॉय हॉस्पिटल में एक हृदय के मरीज को नसों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या थी, जिसका डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके जल्द स्वस्थ होने का आश्वासन दिया और उसके एवज में मृतक के परिजनों से मोटी रकम वसूली। लेकिन परिजनों का आरोप है कि मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने बताया कि पहले डॉक्टरों ने हमसे एंजियोग्राफी कराने के लिए दबाव बनाया था। सर, मामला ये है कि कल शाम को हमारा पेशेंट, जो कि इधर हमें इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा आगरा हार्ट सेंटर डॉक्टर CR रावत के यहाँ पर, जिनको कि हार्ट में माइनर एक पेन हुआ था, जिसके कारण डॉक्टर ईशान गुप्ता है जिन्होंने हमें सजेस्ट करा कि इनकी इमीडिएटली एंजियोग्राफी कराई जाएगी। हम एग्री हो गए, हमने पैसा भी डिपॉजिट कर दिया एंजियोग्राफी के लिए। उधर उन्होंने हमें बताया कि एंजियोग्राफी में आपके पेशेंट की तीनों नसें ब्लॉकेज हैं, जिसमें कि स्टंट डलेंगे। इमीडिएटली उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि आप स्टंट इमीडिएटली डलवाइए। स्टंट, एक स्टंट की कीमत जिसकी जो 1,25,000 रुपये बताई थी हमें, हम उस पर एग्री हो गए कि जो कि हमारी एक 100% नस जो थी दिल की वो ब्लॉक थी, हम उस पर एग्री हो गए कि हम 1,25,000 रुपये का स्टंट डलवा लेते हैं। उसके बाद
क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ईशान गुप्ता ने अपने शब्द को चेंज किए और हमसे ये कहा कि तीनों नसों में मैं स्टंट डालूंगा और उसके 2 लाख रुपए आपका पैकेज लगेगा। क्या मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसी हमारे साथ क्या मतलब नेगोशिएशन किया कि 1.25 लाख रुपए का जो स्टंट एक बता रहे हो आप, 2 लाख रुपए में 3 डालने के लिए कैसे एग्री हो गए? दूसरी बात, तीनों स्टंट कभी भी एक साथ नहीं डलते हैं, जो कि पेशेंट के साथ हमारे ज़बरदस्ती उसने करा। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारा पेशेंट उस समय परेशान था, बेड पर था, उस अंदर सर्जरी में कैथ लैब में था, जो कि मतलब कि इसकी सीरियस कंडीशन थी। उन्होंने हमें मजबूर किया कि इनका ऑपरेशन इमीडिएटली करने के लिए, और जिसके कारण उनकी कुछ मिस्टेक ऐसी हुई है जिसके कारण हमारा पेशेंट हमारे हाथ से चला गया और उनकी रात को डेथ हो गई। जिनकी तीन बच्चियां हैं, मतलब युवा बच्चियां हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। अभी डॉक्टर ईशान गुप्ता को हम कोशिश कर रहे हैं फ़ोन करने की, लेकिन वो फ़ोन उन्होंने बंद कर दिया। एक बार हमारा फ़ोन उठाया भी उन्होंने, तो उन्होंने फ़ोन पर हमें उल्टा सीधा कहा और हमसे बदतमीजी से बात करी। हम ये कहते हैं कि अगर आप सही हैं तो आप सामने आइए, आप बैठ के बात करिए, जो भी कंपनसेशन है। सर, पुलिस के लिए हम FIR करने के लिए हमें मजबूर किया गया है और हम FIR हम कराएंगे डॉक्टर ईशान गुप्ता के खिलाफ। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए BVM News। नमस्कार।